मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी फाइन विथ योर फैमिली मेम्बर्स. नाउ टूडे दिस इज द सेकेंड सेशन इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज क्या हम पढ़ने वाले, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल्स फॉर नेमिंग लिगेंड, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कैसे निकालेंगे, और होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है. सो ये चार टर्म पढ़ेंगे. उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि लिगेंड के नेमिंग के लिए क्या रूल है. एक बार फिर से बच्चों, आपको सबसे पहले मैं रिमेंबर करवा दूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जब टर्म आप सुनते हो तो इसके आपके सामने क्या एक फिगर आता है. आपको लगता है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड, जैसे अगर आप कहा जाए सिंपली सोडियम क्लोराइड, तो एक सिंपल कुल कंपाउंड है. अगर आपसे बोला जाए मोहर सॉल्ट, तो आप बोलोगे FeSO4, अमोनियम सल्फेट, H2O. तो कहीं ना कहीं डबल सॉल्ट है, यानी कि दो सॉल्ट हो गया. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपनी एक अलग पहचान है, और वो पहचान आती है उसके कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन से, जैसे K4, FeCN6. अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इसकी सबसे पहली पहचान है इसमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, यानी जहाँ पर हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं. इसके अंदर जो पार्ट लिखा जाएगा वो पार्ट हो जाता है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्स आयन. जैसे अगर इस कंपाउंड को दो भाग में तोड़ा जाए तो पोटेशियम आयन बनेगा, और क्या बनेगा, FeCN6-4-. ये हो गया आपको कॉम्प्लेक्स आयन. बच्चों, अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पहचानते किसको हो. आप तो इस सेंट्रल मेटल एटम को पहचानते हो, इसको सारे बच्चे पहचान लेंगे कि भाई आयरन है. इसको भी जो काउंटर आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर में जो आयन होता है, दैट इज ये काउंटर आयन है. काउंटर आयन, इसको पहचानते हैं. अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हो तो आपको सबसे पहली इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि आप इस लिगेंड को पहचानिए. फिर से मैं बताऊँ लिगेंड क्या है. लिगेंड वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या एनायनिक मॉलिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज आयन वाला मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. लोन पेयर डोनेट करता है. अब आपको एक समझ में बात आ गई होगी कि अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ें तो हमें लिगेंड को पहचानना होगा, उस मॉलिक्यूल का नाम देखना होगा कि कैसे उसका नाम लिखने का तरीका क्या है. तो आज हम पहले इस पर फोकस करते हैं. ओके, तो सबसे पहला हमारा है रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अ लिगेंड. लिगेंड बच्चों क्या हो सकता है, एक निगेटिव आयन होगा. अगर जितने भी निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ओ लगाना है. निगेटिवली चार्ज आयन जो भी होंगे वो क्या होगा, एनायनिक लिगेंड्स होंगे, एंड दीज लिगेंड्स एंड इन ओ. जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, क्लोरीन है तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो, नाइट्रिटो एन. अब इसमें हमने कल आपको बताया था कि नाइट्राइटो या नाइट्रो ग्रुप जो होता है, उस नाइट्रो ग्रुप की खासियत क्या है. नाइट्रो ग्रुप में अगर नाइट्रोजन के थ्रू वो मेटल से अपने को कंबाइन करता है, इसको आप नाइट्रिटो एन कहोगे, और अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से कंबाइन करता है तो नाइट्रिटो ओ कहोगे. सिंपल सी बात है ना. इसी तरीके से आपको आता है साइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है ना, SCN, ये ग्रुप है. जब सल्फर के थ्रू लिगेंड अटैच होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, थायो साइनेटो. और अगर ये मेटल से अटैच करता है नाइट्रोजन के थ्रू तो आप क्या बोलते हैं, आइसो थायो साइनेटो.
तो जितने भी निगेटिव लिगेंड होते हैं, एक्चुअल में निगेटिव लिगेंड क्या होते हैं, वो ओ से उनका एंडिंग होता है, उनकी एंडिंग किससे होगी, ओ से होगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो जो आपको हैलोजन एटम है उनको आप किस तरह से नेमिंग करोगे, क्लोरीडो, क्लोरीडो, ब्रोमीडो, आयोड, ठीक है ना। अब जिस निगेटिव लिगेंड में, निगेटिवली चार्ज एनायन में अगर आई डी ई से एंडिंग है तो उसको आप आइड, जैसे कि फ्लोराइड है तो फ्लोराइड को क्या करो, फ्लोराइडो, फ्लोरीडो, तो आई डी ई था तो आई डी ओ कर दो। अगर आई टी ई है तो आई टी ओ कर दो, ठीक है। और अगर ए टी ई है तो ए टी ओ कर दो। ये काम आप किसके लिए करेंगे, एनायन के लिए। हाइड्रोजन को हमेशा आप एनायनिक लिगेंड मानेंगे और इसको हाइड्रिडो लिखेंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज अगर लिगेंड है, क्योंकि मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कोई एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर सकता है, तो उसके लिए आप ईएम, लास्ट में क्या वर्ड यूज़ करोगे, ईएम, जैसे एनओ प्लस। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट तो कर सकता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो एनओ ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रोसोनियम, इसका जब आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल ग्रुप है। NH2NH2 हाइड्राजीनियम, और अगर NO2 प्लस हो तो नाइट्रोनियम। तो ये आपको अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हो, यानी लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, डोंट गेट टू बी कन्फ्यूज्ड, बट इट हैज़ अ एटम विच कैन शेयर अ पेयर ऑफ लोन पेयर, शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड के लास्ट में आपको ओ लगाना है। और जो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल होंगे लिगेंड, ठीक है ना, जैसे आपको कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे वाटर है H2O, देखिए नहीं आ गया, H2O के लिए इसको आप मत देखिए, H2O एक्वा, NH3 एमीन, NO नाइट्रोसिल, अगर CO ग्रुप है कार्बोनिल, ऑक्सीजन O2 डाईऑक्सीजन, N2 है डाईनाइट्रोजन, C2O4 टू माइनस ऑक्सिलेटो, CO3 टू माइनस कार्बोनेटो एसीटेटो, ठीक है ना, C5H5N पाइरेडीन। ये सब लिगेंड के नाम है बच्चों। जब आप देखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा ग्रुप उस बिग ब्रैकेट यानी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर में है, उसकी संख्या कितनी है, तो ये सब नाम आपको वहाँ पर जब आप पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, मान लो वहाँ पर NH3 है तो आप एमीन लिखेंगे, अगर वहाँ पर CO ग्रुप मौजूद है तो आप कार्बोनिल लिखोगे, अगर 6 है CO ग्रुप तो हेक्सा कार्बोनिल, अगर 4 है एमीन तो टेट्रा एमीन, अगर मान लो 4 H2O ग्रुप है तो क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा लिखोगे, अगर 4 फ्लोरीन ग्रुप है तो टेट्रा फ्लोरिडो लिखोगे। अब बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से आपको कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिसका जनरली यूज होता है, इथाइलिन डाई एमीन, तो इथाइलिन डाई एमीन को बच्चों अगर एक्चुअल में देखा जाए, आप दो लिगेंड हम आपको बताते हैं जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा की थी। एक तो आपको इथाइलिन डाईएमीन है, यहाँ पर आपको लगता है कि इथाइलिन डाईएमीन, और दूसरा है आपको EDTA। तो EDTA जो लिगेंड है, EDTA, मैं बहुत सिंपली इसको बताता हूँ, इसके स्ट्रक्चर को 4-, इसका नाम क्या था, इथाइलिन, एक तो ये वर्ड है, फिर आ गया डाईएमीन, फिर क्या आ रहा है, डाईएमीन हो गया, फिर आ रहा है टेट्रा एसीटेट, टेट्रा 4 एसीटेट। अब जरा समझो इथाइलिन क्या है बच्चों, CH2, ये ग्रुप इथाइलिन हो गया, डाईएमीन, एमीन कैसे बनता है जब यहाँ NH2 लगाओगे, तो क्या करना है अपने को, यहाँ से H2 हटा दो, फिर यहाँ NH2 लगाओगे तो ये डाईएमीन बनेगा, आप H2 हटा दो, ठीक है ना, तो क्या करना है अपने को, अपने को यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन लगा के रखना है। आगे बस समझ में, अब क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ और इस दोनों नाइट्रोजन के साथ एसीटेट ग्रुप लगाओ। तो एसीटेट क्या होता है, एसीटेट, एसिटिक एसिड याद है, CH3COH, हाइड्रोजन निकाल दो, CH3CO माइनस,
एसीटेट आयन बन गया। तो यहाँ पे चूंकि एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जा रहा है, दो हाइड्रोजन लगा दो, एसीटेट यहाँ लगा दो, यही ग्रुप चार बार लगा दीजिए। ये क्या हो गया बच्चों, यही हो गया आपको इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेट। चूंकि इतना कॉम्प्लेक्स हम यहाँ नहीं, एक ये चार पोजीशन से सेंट्रल मेटल आइटम से कंबाइन करेगा, यहाँ से नंबर वन पोजीशन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, फोर्थ पोजीशन हो गए। फिर इसके बाद क्या, चार ऑक्सीजन थे, दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। नंबर फाइव, इसके लिए इसके पास क्या है, हेक्सा डेंटेड है, छः डेंटिसिटी इसकी कितनी है, सिक्स है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से बच्चों इथाइलिन डाई एमीन है, सिंपल सा है, इथाइलिन डाई एमीन, तो उसको आप क्या लिखोगे, पहले इथाइलिन बना लो CH2, डाई एमीन है तो N इधर लगा लो, NH2। अब ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, इथाइलिन डाई एमीन हो गया। ऑक्जेलेटो ग्रुप है, ऑक्जेलिक एसिड से आया है, दीज आर द लिगेंड्स। अब आपको क्लियर समझ में आ गया ना, तो लिगेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ कौन अटैच होगा, लिगेंड अटैच होगा, और उसको किस में हम रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट जिसको आप जनरली बोलते हो। तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, यानी ये एंटिटी, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसमें क्या होगा, मेटल होगा और उसके साथ क्या लगा होगा, लिगेंड, लिगेंड को किस में रखोगे, स्मॉल ब्रैकेट में, एक्स, ये एक्स, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटेन आउटसाइड द ब्रैकेट कॉल्ड काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। जैसे मान लो फिर से मैं यहाँ एक बार वही कंपाउंड, K4 Fe CN whole 6, तो ये क्या है बच्चों, K4 काउंटर आयन है, ब्रैकेट के बाहर है, और जितने कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। देख लीजिए, काउंटर आयन इज K+, Fe CN6 whole 6 नीचे लिखना बच्चों सब स्क्रिप्ट में, ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, अब जितने लिगेंड होते हैं बच्चों वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल के अराउंड में, दीज लिगेंड्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट, और जब स्पेशल अरेंजमेंट दोगे तो वो क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बनाएंगे। कैसे बनाते जरा देखो इनको, कंडीशन वन, मेटल से क्या अटैच है, छह लिगेंड अटैच है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, मेटल से चार लिगेंड अटैच है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। अगर मेटल से चार लिगेंड अटैच है तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लैनर। जब मैं लिगेंड बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो एनायन जो क्या करेगा, या वो कैटायन जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। और अगर वो एक साइड ही है उसके पास अवेलेबल तो मोनोडेंटेड है, दो साइड से है तो डाइडेंटेड है, अगर वो दो से ज़्यादा साइड से अगर वो कैपेबल है, उसके पास डोनर एटम्स हैं तो पॉलीडेंटेड है। जैसे आपने EDTA4- देखा, इज इट क्लियर। अब उसमें अलग अलग और नाम आते हैं जहाँ पर एक ही ग्रुप में दो तरीके से वो दे सकता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसको बोलते हैं, लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, जिसमें आपने नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O पढ़ा, या थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो देखा, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हो गया। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, इज इट क्लियर। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, बहुत आसान है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मान लीजिए सबको हटा दीजिए, उस सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होता है, उस चार्ज को ही तो आप बोलोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों रोमन न्यूमेरिकल का यूज करते हैं पैरेंथेसिस में। अब कैसे करते हैं जरा देखो, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अब इसमें बच्चों कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे, आप सबको निकालना आता है,
ये बहुत आसानी से आप जानते हो। अब मान लो इसमें कॉपर का एक्स है, अब साइनाइड एक निगेटिवली चार्ज आयन है, -1 उसके ऊपर चार्ज होता है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 4 × -1 इज इक्वल टू, टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है, 3 माइनस है तो -3, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 4 दैट इज +1। अब ये जो चार्ज आया बच्चों, इसको आप कैसे लिखोगे, सी यू रोमन में 1 लिखना है। व्हेन यू विल लर्न हाउ टू राइट द नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और वहाँ पर जब आप लिखोगे तो उसको किस में लिखोगे, रोमन में लिखोगे और पारथेंसिस में लिखोगे। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया ना? तो आपको इसमें ज़रा सा क्या याद करना पड़ेगा बच्चों, चार्ज जितने भी आपको हैलोजन एटम होते हैं उनके लिए आप क्या लिखेंगे, -1। वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए चार्जेस क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब बात करो जैसे ऑक्जलेटो C2O4 2-, तो इसके लिए चार्ज तो आप 2 लिखोगे ना ऑक्जलेटो के लिए। EDTA अगर लगा हो इसके ऊपर क्या है, -4 है, -4 चार्ज लिखेंगे। अगर न्यूट्रल है तो 0 लिखेंगे, साइनाइड है तो -1 लिखोगे, थायोसाइनाइड है तो -1 लिखोगे। आई बात समझ में, इट क्लियर? तो ये चार्ज आपको आसानी से समझ में आ जाता है। एमीन है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 लिखोगे। एक्वा वाटर मॉलिक्यूल को आप किस रूप में लिखते हो, एक्वा लिखते हो, तो इसके लिए 0 लिखोगे। क्लियर? होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? मान लो बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन बनता है एंड इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन ए सेंट्रल मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कोबाल्ट इज बाउंडेड टू 6 एमीन ग्रुप, सो दिस इज होमोलेप्टिक। इट मीन्स होमो मीन्स सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हेट्रोलेप्टिक अब जस्ट अपोजिट कर लो, एमीन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 3-4 एमीन ग्रुप टू ए क्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट हियर। अब आपने नाम लिखना है तो बच्चों आप पहचान लो, कोबाल्ट इज मेन सेंट्रल मेटल आयन, एमीन इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज लिगेट विथ कोबाल्ट, एंड क्लोरीन इज ऑल्सो गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू कोबाल्ट, इट इज ऑल्सो अ लिगेंड क्योंकि वो स्फेयर के अंदर है। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, अगर जब स्फेयर के अंदर हो तो इट इज़ जस्ट लाइक अ लिगेंड, लेकिन अगर वो स्फेयर के बाहर है तो वो लिगेंड नहीं है बल्कि वो काउंटर आयन के रूप में काम कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि बाहर में भी हो क्लोरीन तो आप समझो कि क्लोरीन ही तो है, और क्लोरीन को आप क्या मान के बैठ जाओगे, आप सोचोगे क्लोरीन बाहर में हो या अंदर में हो ये तो भाई हमारा लिगेंड ही है। ऐसा नहीं है, लिगेंड वो तभी है जब वो अंदर है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट Cl2 इथाइलिन डायमीन Cl। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन बाहर है तो ये काउंटर आयन है और ये लिगेंड है। इट क्लियर? एक टर्म बच्चों है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर आप सिंपल से लिखो NiCO4, तो यहाँ ये मैं सेंट्रल एटम हो गया, ये लिगेंड हो गया, कितने लिगेंड है, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये तो मोनोडेंटेड था, लेकिन अगर बाईडेंटेड लिगेंड लगा हो कहीं पे, तब आप क्या करेंगे? तो बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज़ एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। सपोज करो Fe, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल C2O4 ऑक्सिलेटो आयन को ले रहा हूँ 3। अब बताइए क्या है, ये तो सेंट्रल आइटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर कहोगे 3, रॉन्ग, ये ऑक्सिलेटो है और बाईडेंटेड लिगेंड है, यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी है, डेंटिसिटी होगी इसकी 2,
और नंबर कितना है, कितने लिगेंड है यहाँ पर अटैच है, तीन, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो, क्योंकि ये क्या है, इसके पास दो डोनर एटम्स हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आप बताएंगे डेंटिसिटी में नंबर ऑफ डोनर एटम्स से मल्टीप्लाई कर देना। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और ले लो, CO(EN)3। अब बताइए इथाइलिन डाइअमीन है, कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये थ्री नंबर है लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 × 2 = 6 होगा। तो सिर्फ नंबर देख के बच्चों नहीं बताएंगे। अब और एक एग्जांपल लेता हूँ, NA(NH3)4 2 − 2 + सिंपली है, नंबर एमीन है चार है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आप बताएंगे नंबर ऑफ लिगेंड देखकर कभी मत बताना, आप ये देखना कि उस लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, हाउ मेनी डोनर एटम्स इट द लिगेंड हैव, इज इट ओके। इफ देर आर बाइडेंटेड लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दिए नंबर से। और याद रखना बच्चों, ई एन क्या, इट इज द शॉर्ट फॉर्म, ई एन ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है किसके लिए, इथेन 1,2 डाईएमीन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, ये डाईडेंटेड लिगेंड है। C2O4 2- ऑक्सलेटो है, ठीक है, इट क्लियर, सबको समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट हो गए और आप सबको समझ में आ गया होगा। आप समझ में कॉन्सेप्ट इस दो वीडियो से आपको जो आज बताया गया डेवलप हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड का एक्चुअल में नेमिंग कैसे आती है। देयर आर सम क्वेश्चंस, जस्ट सी दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, इज इट क्लियर, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इफ समबडी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ गिव मी सजेशंस, भी गिव मी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल, यू मे टॉक टू मी, योर प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ओके। सो गो थ्रू द नोट्स, जस्ट सी वॉट इज टॉट टू यू, वॉट आर रिटन इन द नोट्स, जस्ट कंपेयर दिस टू थिंग्स, गो थ्रू द NCERT बुक, यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। So once again, thanks for watching, like and subscribe this channel, and my all videos are available on my blog id is here, so go to, if any video is missed by you, you can log into my blog and you can get my all videos there, okay, thank you, have a nice day, meet you again with the two videos in the next session. Once again, thank you, stay safe, take care, okay, bye, have a nice day.